Nothing is impossible. The word itself says I am possible. So friends, I consider it a great honor to welcome Dr. Altaf sir on this stage. So please come and delight us with your fruitful words. Thank you very much. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस मुबारक मौके पे मुझे मेरा नाम आप लोगों ने लिस्ट में रखा था और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मंजूर साहब का और उसके बाद अपने मेहमान हजरात का, खुसूसन इस महफिल के जो सदर महफिल हैं मोहतरम मलिक इरशाद साहब और एडवोकेट नीलोफर जी और बाकी जो मेहमान हजरात हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मुझे सबसे पहले एक बात यहाँ पे कहनी है कि चंद दिन पहले मैं मलिक इरशाद साहब का इंटरव्यू नॉर्वाओ लिटरेरी सोसाइटी पे इसको देख रहा था तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात अपने इंटरव्यू में कही थी कि जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल गोइंग किड था, तो मेरे इलाके में कहीं स्कूल नहीं हुआ करते थे, कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, हमें पैदल यहाँ से बारामुल्ला स्कूल जाना पड़ता था। फिर उन्होंने एक बात उसमें दोहराई कि अब मैं आज अपने गाँव को देख रहा हूँ। मैं सर मैंने वो काफ़ी कीन लिया आपका वो इंटरव्यू मैं आवाज कर रहा था तो मैं आज जब अपने गांव को देख रहा हूँ, मेरे गांव में आज एक बीएड कॉलेज है, एक नर्सिंग कॉलेज है, एक हाई स्कूल प्राइवेट हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, कुछ और मिडिल दो प्राइवेट हाई स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं, दो मिडिल स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है। तो इस बात से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो वाकई अल्लाह का नारवार सर आप हमसे पहले इस इलाके को जानते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें भी आप जैसे मेहमान हजरात जब उनके बीच में हम खड़ा होते हैं, उनको अपने पास पाते हैं तो फख्र से हमारा सर ऊंचा होता है। तो मैं अपनी बात पे आता हूं। असल में बहुत सारे जो स्पीकर्स आए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। बेशतर स्पीकर्स जो है उन्होंने उसमें अपनी बातों में जो है नारवाओं के लिए कुछ करने को कहा, नारवाओं के लिए क्या कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे, उस पर उन्होंने जोर दिया। तो मुझे उन सब की स्पीच सुन के मेरे जहन में अहमद फराज का एक शेर, जब मैं बातें सुन रहा था तो अहमद फराज का शेर मुझे याद आया, बहुत ही खूबसूरत शेर उन्होंने अपनी एक नज़म में लिखा है। आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। तो ये इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं अहमद फराज साहब। तो एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बिजनेस कॉरपोरेट्स होते हैं आप सब जानते हैं, सोसाइटी को लेके उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इफ दे आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी इन विच द बिजनेस आर ऑपरेटिंग, उन्हें वापस कुछ देना होता है उस सोसाइटी को। तो हम सब की एक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सोसाइटी ने हमें पाला पोसा अपने रिसोर्स से, बहुत कुछ हमें दिया, हमें इस लायक बनाया कि मैं इस वक्त आपके सामने दो तीन लैंग्वेज या चार लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूं। तो ये मुझे इस सोसाइटी ने दिया, अब मेरे ऊपर इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस सोसाइटी को वापस दूं। बिकॉज कहते हैं ना कि लिविंग इज गिविंग,
शेयरिंग इज केयरिंग, ये काफी छोटे छोटे सेंटेंस लगते हैं लेकिन ये सेंटेंस जो काफी ज्यादा वेट जो है अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मैं एक बार राजस्थान में था तो मैं एक रिक्शे पे सवार था, तो रिक्शा पुलर एक जगह पे एक जो है ब्रिज पे चढ़ने वाला था, तो चढ़ाई सी थी, तो उसने मुझे कहा कि आप नीचे उतरिए, उस रिक्शे को जो है धक्का दीजिए, मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूं। तो फॉर टाइम भी मुझे लगा कि ये तो कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है, इसका काम है रिक्शे को खींचना, मैंने इसको I am paying for it, I am paying to him to, you know, take me to the destination I am supposed to be। तो जब उन्होंने मुझे कहा, मुझे पहले मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा है, मुझे क्या करे, रिक्शा को धक्का लो, मैं खींच नहीं पा रहा हूं, लेकिन वल्लाह मुझे कुछ मेरे चंद सेकेंड्स के लिए जो है मैं चुप हुआ और मैंने सोचा कि ये बंदा मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, मुझसे क्यों कह रहा है धक्का देने के लिए। तो मेरे जहन में आया कि ये जानता है कि इसकी इंडिविजुअल सोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं था। उस रिक्शा वाले ने मुझे एहसास दिया कि आपकी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका तुझे बिल्कुल एहसास नहीं है। तो उस वक्त मेरे जहन को ये बात स्ट्राइक हुई कि ये रिक्शा पुलर यार, ये तो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट स्कॉलर समझता हूं, मैं PhD कर रहा था राजस्थान के अंदर, लेकिन उस बंदे ने मुझे एहसास दिलाया कि तू अनपढ़ है, जाहिल है, तुझे इन बातों का इल्म नहीं है। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यूं समझते हैं, जहनों में बात आती है, अरे यार कहां मैं कोई फैक्ट्री खोल पाऊंगा, कहां मैं कोई मतलब बड़ा प्रोजेक्ट जो है खोल पाऊंगा अपनी सोसाइटी में, लोगों को, गरीबों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दे पाऊंगा, कहां मैं एक बहुत बड़ा कॉलेज खोल पाऊंगा, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है उसको शुरू कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, उनको करने दे जिनका वो काम है। आप और मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रास्ते पे चल रहे एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाना, रास्ते पे पड़े एक मां के बिना एक कुत्ते के बच्चे को खाना खिलाना, रास्ते पे एक मार्केट में जो गरीब सब्जी बेच रहा है, हम तो फख्र करते हैं हम एक बहुत बड़े जो है एक मॉल में जा रहे हैं, वहां पे एक बड़े स्टॉल से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। नहीं, एक छोटे से जो सुबह पेट पालने के लिए निकला है, एक छोटा सा एक बुजुर्ग बंदा जो अपनी पेट पालने के लिए उसने जो सब्जी का ठेला लगा रखा है उससे सब्जी खरीदना, ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम जानवरों के साथ नेक सलूक करें, पेड़ पौधों के साथ नेक सलूक करें। इंसान तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक स्टोरी है, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी और एक रियल स्टोरी है, यही इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई एम नॉट रोमांटिसाइजिंग स्टेज, सीरियसली दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी और मैं जरूरी समझता हूं कि इस स्टेज पे इस स्टोरी को आप लोगों के सामने रखूं। एक तबका था, आप लोग जानते हैं नेशनल पार्क होती है जहां पे फिर लोगों को अंदर जाने नहीं देते, वहां से उनको रिलोकेट करते हैं। तो ऐसी एक नेशनल पार्क बनाई गई है राजस्थान के अंदर जहां से लोगों को रिलोकेट किया गया था, उन्हें उस एरिया से निकाला गया था क्योंकि नेशनल पार्क में जो है पब्लिक आ जा नहीं सकती है। फिर तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट में गोलियां चली, गोलियों में 8 लोग मारे गए, गोलियां चल रहे उस तसद्दुम में 8 लोग मारे गए। तो काफी महीनों वो प्रोटेस्ट चला, फिर एक एनजीओ उठी क्योंकि वो लोग लड़ रहे थे कि हमारा इससे रोजगार चल रहा है, हमारे
जो पशुपालन होते हैं, मवेशी है, वो घास चरा रहे हैं, वहां से मेडिसिनल प्लांट से लकड़ी वगैरह वहां से ले रहे हैं, तो हमारा घर चल रहा है। तो उन्होंने इस बात पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब उनको रिलोकेट किया गया वहां से, उनके हालात बुरे हो गए। फिर एक एनजीओ वहां उठी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां की औरतों को ट्रेन किया, जो टूरिस्ट वहां आते थे, जो खाना टूरिस्ट पसंद करते हैं, क्योंकि इंडियन फूड, सब कॉन्टिनेंटल फूड हर कोई बाहर से आने वाला बंदा पसंद नहीं करता, तो उन्होंने उन्हें कहीं सारे डिशेस बनाना सिखाए उन औरतों को, और होम स्टेज के लिए उन्हें आमादा किया। घरों में टूरिस्ट को आप जगह दिया करो और उन्हें खाना खिलाया करो। तो उन्होंने वैसा किया, बहुत जोर लगाया इस बात पे, उन्हें आमादा करने में उन्हें काफी मेहनत लगी। आखिरकार वो कामयाब हुए और वो टूरिस्ट को जगह देते थे और उनके लिए खाना पकाते थे। और वो आजकल एक पीसफुल, एक सक्सेसफुल सोसाइटी की तरह वो लोग रह रहे हैं। तो दिस इज व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट। मैं अपने आपको इन अल्फाज से रोक रहा हूं। अभी भी मुझे, मैं सालिक बिलाल साहब से बात कर रहा था तो मुझे एक कोट याद आया, व्हाट वी कैन नॉट डू। सॉरी मैं इसको भूल रहा हूं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है कि व्हाट वी कैन नॉट डू इफ यू डोंट डू व्हाट वी कैन नॉट डू। If we don't do what we cannot do, it's not a problem. But what we can do and we don't do, then we are a disaster for the society. हम सोसाइटी के लिए फिर डिजास्टर है जो हम कर सकते और करते नहीं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं यहां पर बिल्कुल भी जो है ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। हमारे मोहतरम गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट इस महफिल में, उन्हें भी उनकी बात सुनने के लिए सब बेताब है, ताप में बैठे हुए हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मंजूर सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।